24 साल हो गया। ये भगवती भेड़ का किचन एरिया, वेटिंग एरिया। मैसूर डोसा, नाश्ते वगैरह का मेनू आता, मैसूर डोसा है वो। हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल उर्दू में। और अभी इस वक्त मैं हूँ भगवती पेड़ एंड पाव भाजी के पास, ये अपने आते रैया चौक के पास। भगवती पेड़ एंड पाव भाजी ऐसा कुछ है यहाँ का सेटिंग्स है। और ये भाई यहाँ पर पाव भाजी बना रहे हैं। ये स्पेशल इनकी दो अलग अलग रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाव भाजी मिलती है और यहाँ पर पेड़ वगैरह वगैरह आइटम मिलती है। आइए देखते हैं अंदर की तरफ क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। और गाइस, ये 1999 में ये जो स्टॉल ओपन हुआ था और ऐसा कुछ था, छोटा था स्टॉल है। ये उनकी प्राइस लिस्ट और ये उनका ओनर, क्या नाम है भाई आपका? अमित भाई आप ये कितने सालों से चला रहे हो? 199 से 1999 से। ओके, आप हिंदी वाला चैनल है, हिंदी हम कम बोलते हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। ओके ओके, वन एरी में कह देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। 24 साल हो गया, 24 साल पूरे हो गए। ओके, और 3 मार्च को 24 साल हमारा कम्प्लीट हुआ। ओके, और ये सब सीटिंग तो वहाँ पर ही है ना? ये आपने जो पहले वीडियो में दिखाया ये वाला जो हमारा है, इससे हमने स्टार्ट किया था। ओके, 2006 में हमने एक दुकान ली थी। Okay. ये अभी 3 दुकान है। ओके, एक ये वाली, इसके बाजू वाले, वो तीनों साथ में ज्वाइंट किया हुआ। ओके, उसके बाद 2020 में बाजू, 2019 में बाजू का रेस्टोरेंट हमने स्टार्ट किया। ओके, ये वाला। ओके, और अभी इधर सिर्फ पार्सल पॉइंट ही रखा हुआ है पाव भाजी का। Okay. बाकी का सब खाने का सब डिपार्टमेंट रेस्टोरेंट में शिफ्ट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या पार्सल में क्या मिलता है? इधर हम पार्सल में पाव भाजी और तवा पुलाव, तवा पुलाव दो आइटम इधर पार्सल पॉइंट बनाया हुआ है अभी के लिए। ओके, बाकी का सब आइटम रेस्टोरेंट में रखा है। और इधर क्या है, पार्सल कभी आप दूसरी रेस्टोरेंट में देखेंगे तो पार्सल के लिए कोई वेटिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगा, पर हमने इधर क्या है कि पार्सल में कोई भी रहेगा टेंशन, कस्टमर या कोई बुजुर्ग आएंगे या कोई बच्चे वाले आएंगे, पाव भाजी या पुलाव में थोड़ी देर लगेगा, तो इसके लिए हमने पार्सल के कस्टमर के लिए भी वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। ओके, सेटिंग सेटिंग उसी के लिए है, पार्सल वाले कस्टमर के लिए सेटिंग रखा है। इधर हम कुछ सर्व नहीं करते, सिर्फ पार्सल वाले आदमी या कस्टमर के लिए वेटिंग एरिया है यहाँ पर दो में। ओके, गार्लिक और आदू की पेस्ट। पर ये कितने लोगों की भाजी है? तकरीबन 50-60 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं। 10-12 किलो। ओके, और एक घंटे के अंदर ऐसे 3-4 बार बनानी पड़ती है एक दिन में। एक दिन में कितने बार बनाते हो आप? 3-4 बार बनानी पड़ती है। 3-4 बार बनानी पड़ती है, यानी 200 से 300 लोग आए यहाँ पर आराम से ये खाते हैं। पार्सल का ज्यादा होता है पार्सल। ओके, ये भगवती भेड़ का किचन एरिया, वेटिंग एरिया, और इस तरफ है रेस्टोरेंट। अंदर से कुछ ऐसा रेस्टोरेंट दिखता है। और ये भाई यहाँ पर दाबेली बना रहे हैं। यहाँ पर डोसे वगैरह बन रहे हैं।
ये कौन सा डोसा है भाई? मैसूर डोसा। मैसूर डोसा, मैसूर डोसा, मैसूर डोसा यहाँ पर बन रहा है। तो फाइनली डोसा रेडी हो चुका है हमारा। और ये कौन कौन सी चटनी है भाई? मैसूर मसाला डोसा है। और चटनी कौन कौन सी है? टमाटर चटनी, सांभर। सांभर, ओके। और ये फाइनली रेडी हो चुका है। तो ये है सभी नाश्ते वगैरह का मेनू। और ये मेनू जो है वो साउथ इंडियन वगैरह का मेनू है क्या। और इसकी प्राइस देखिए आप, मतलब काफ़ी कम प्राइस में है, सिर्फ 25-25, 40-40 रुपए में ये सब यहाँ पर मिल रहा है। सो गाइस, अभी हम यहाँ का टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का मैसूर डोसा है वो काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो चटनी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और ये सभी होममेड है, यहाँ पर ये सभी घर पे बना के आते हैं। चटनी वगैरह जो भी है वो यहाँ पर होममेड है। थैंक्स फॉर विजिट, थैंक यू। सो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर की तरफ। और बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है भगवती रेस्टोरेंट का, और ऐसा कुछ सीटिंग से यहाँ का। और इस तरफ जैसा कि मैंने आपको दिखाया भगवती पेयर, सो ओल्ड है वही, बस ऐसा कुछ है। और जो प्राइस मुझे लगी वो यहाँ पे यार जो है रेगुलर लगी, मतलब काफ़ी चीप भी नहीं और काफ़ी एक्सपेंस भी नहीं, तो मतलब मीडियम है। और यहाँ पर जो मैंने टेस्ट किया फूड वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप हो सके तो यहाँ पर एक बार विजिट करने के लिए ज़रूर आइए। और इसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और गूगल मैप में भी आपको लोकेशन दे दूंगा, तो आप वहाँ पर से यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।